टैली प्राइम में कंपनी कैसे करना है क्रिएट, या टैली प्राइम में हम कंपनी को सही तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पूरी तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक एक चीज पे यहाँ पे हम लोग नजर डालने वाले हैं। कंपनी क्रिएट करना टैली प्राइम में सबसे पहला काम होता है। जब आप टैली को डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, उसका लाइसेंस आप परचेस कर लोगे और टैली को जब आप ओपन करोगे, तो सबसे पहला काम जो होगा ना वो होगा कंपनी को क्रिएट करना। या अगर आप टैली पहले से यूज़ कर रहे हैं, कंपनी बनी हुई है, तो आप उसी कंपनी को बार बार ओपन करके उसमें आप काम कर सकते हो अपना डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम टैली को पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम को किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो पहला जो कदम होता है इसमें कंपनी क्रिएट करना, वो कैसे करेंगे एक सही तरीके से। तो टैली कैसे करेंगे डाउनलोड, कैसे करेंगे इंस्टॉल, इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आपको देखनी चाहिए जाके। उसमें प्राइसिंग के बारे में मैंने बता रखा है कि वहाँ पे क्या आपको प्राइसिंग स्कीम मिलेगा टैली प्राइम में, तो आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा वीडियो को, अच्छी वीडियो है, आपको बहुत कुछ उसमें जानने को मिलेगा। सो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम में कंपनी कैसे करना है हमें क्रिएट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और गजब की वीडियो में। तो आ गए हैं सिस्टम की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे खुला हुआ देख पा रहे हैं टैली प्राइम। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब टैली ओपन होगा तो लाइसेंस के लिए पूछेगा। अगर लाइसेंस आपका है ऑलरेडी तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए पूछेगा, राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इन तीनों ऑप्शन को ना यूज करने के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस को परचेज करना होगा। तो यहाँ पे ना एक और ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ये क्यों दिया हुआ है, ताकि आप टैली को ना सीख सको, है टैली की तरफ से बहुत अच्छी खासी हेल्प है कि आप एजुकेशन मोड में टैली के सारे फीचर्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे टैली काम कर रहा है। बस एक रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई है, वो है डेट की। मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है तो डेट की यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप सीखने के पर्पस से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डेट का रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है सीधी भाषा में कि भाई यहाँ पे आप जो डेट इस्तेमाल कर पाएंगे वो हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। 30 तारीख भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे जून का महीना जो होता है, जून में 30 तारीख, 30 दिन का महीना होता है जून, तो आप जून में 30 तारीख इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप केवल 31 तारीख ही इस्तेमाल कर पाओगे। जिसमें 31 तारीख होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। एजुकेशन मोड में और लाइसेंस मोड में बाकी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। जो आप सीखोगे वो आप जेन्युइन सीखोगे, कुछ ऐसा नहीं कि लाइसेंस में कुछ आपको अलग दिखाई देगा और जो लाइसेंस मोड नहीं रहेगा, एजुकेशन मोड रहेगा, आपको उसमें कुछ अलग दिखाई देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ पे डेट का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक। और आप जानते हैं कि विदाउट डेट अकाउंटिंग का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है भाई। कोई भी ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ कैसे आप बताओगे, डेट से बताओगे? तो डेट की रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, तो आपको परचेज करना ही होगा इसको अगर आपको यूज करना है तो। वेल, तो अभी क्या है कि अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस पर टैप कर देते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। टैप किया और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है, मुझे आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन जब आप टैली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको माउस टच नहीं करना है। सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड रखा रहेगा, कीबोर्ड से सब कुछ हो जाएगा, माउस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो अभी क्या है ना कि जब मैं टैली ओपन कर लूंगा एजुकेशन मोड, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। तो आपको ना यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे जो आपको स्क्रीन का नाम दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेलेक्ट कंपनी। मतलब जब मैं पहली बार कंपनी को ओपन करूंगा, एजुकेशन मोड में ओपन करूंगा, चाहे लाइसेंस मोड में ओपन करूंगा, स्क्रीन आपको यही दिखाई देगा कि भाई सेलेक्ट अ कंपनी, कि आप कंपनी सेलेक्ट करिए जिसमें आपको काम करना है। तो मेरे पास तो अभी है नहीं कंपनी, राइट। आप यहाँ पे एक लोकेशन देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। ये लोकेशन जो होता है ना, वो टैली प्राइम का बाय डिफॉल्ट लोकेशन एक सेट होता है। जब आप टैली प्राइम को इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे ये लोकेशन ऑलरेडी सेट आपको मिलेगा, राइट। तो ये क्या है, ये लोकेशन पे ही आपकी कंपनी का सारा डेटा सेव होता है, ताकि आप उस कंपनी में डे बाय डे, हर डेली बेसिस पे आप उस कंपनी में सारा काम कर सको। अगर सेव ही नहीं होगा तो कैसे काम करोगे, राइट। तो जल्दी से टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी में आने के बाद जो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, वो मिल रहा है कि कंपनी डेटा पाथ। मतलब कि भाई जो आप आगे इस कंपनी को बनाने वाले हो, जो कंपनी आप यहाँ पे बनाने वाले हो, वो कंपनी का डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाए।
तो अभी आप यहाँ पे जो लोकेशन देख पा रहे हो वही लोकेशन है जो बाय डिफॉल्ट सेट है। तो अभी क्या है ना, हम इसको यहाँ पे सेट रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो भाई कि मुझको इस लोकेशन पे डेटा रखना ही नहीं अपना, मुझे इस लोकेशन पे कंपनी का डेटा नहीं रखना है, किसी और पर रखना है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे इसका डिसीजन किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी के लिए कंपनी क्रिएट करना सीखना है तो अभी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है कंपनी नेम, कंपनी का नाम क्या होगा। जैसे मैंने एक नाम सोच लिया हुआ है, जनरेशन वन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मैंने ऐसे एक नाम सोच लिया है, ठीक है। अब इस नाम से यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे जनरेशन, ये मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक। अब जैसे आप एंटर करोगे तो आपसे दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में और कंपनी नेम में डिफरेंस मैं आपको समझा दूँ। देखिए होता क्या है कि हमारी अकाउंटिंग का जो नियम है, हमें अपने अकाउंटिंग का डेटा जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अलग अलग रखना चाहिए। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जैसे 21-22 हो गया, 22-23 हो गया, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डेटा अलग अलग जो है ईयर में अलग अलग हम फाइल में बना के सेव करेंगे। तो आप पहचानो कैसे, जैसे आपकी कंपनी है वो केवल एक साल तो चलेगी नहीं, कंपनी है तो मतलब 10 साल 20 साल 50 साल जब तक चाहे हो तब तक चलेगी। तो आप अगर कंपनी का डेटा अलग करना है तो नाम तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन फिर आप कैसे पहचानोगे कि ये कंपनी मेरे किस ईयर का है, ये कंपनी का जो डेटा है वो किस ईयर का है, किस फाइनेंशियल ईयर का है बेसिकली। तो यहाँ पे ना आप कंपनी नेम में यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, डैश किया मैंने यहाँ पे, ऐसे लिखा F.Y, मतलब क्या कि फाइनेंशियल ईयर, फिर डॉट लगा दिया 22-23 मान लेते हैं, तो 2022-2023 ऐसे लिख दिया। तो अभी क्या है कि ये जो नाम है ये आपके लिए है कि भाई आपको ये नाम देख के समझ में आ जाएगा कि भाई ये डेटा मेरे 22 और 23 ईयर का है। एंटर किया तो अगेन देखो वही नेम यहाँ पे कॉपी हो गया, बट मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। केवल इतना नाम, मेरी कंपनी का नाम तो केवल इतना ही है ना, जनरेशन वन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, केवल इतना ही है तो मैं इतना रखूंगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको दिखेगा तो ये जो है कंपनी का नाम, आपको दिखेगा तो ये कंपनी का नाम, लेकिन बाकी जो आप प्रिंट करोगे, जैसे आपने कोई बिल निकाला, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, टैली की टैली से प्रिंट आपने किया, तो प्रिंट में ना हमेशा केवल आपका मेलिंग नेम जो है ना वो शो करेगा, मतलब केवल जनरेशन वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिख के आएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 लिख के नहीं आएगा। तो ये बेसिक यहाँ पे डिफरेंस है। कंपनी का एड्रेस जो भी हो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया है। आगे बढ़ेंगे तो आपसे स्टेट पूछ रहा है, सब बेसिक डिटेल है। स्टेट यहाँ क्या ले लेंगे, हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया। लिस्ट आपको दिखाई देगी, आप यहाँ पे लिस्ट में सर्च भी कर सकते हो तो आपको आसानी होगी। एंटर कर लिया। कंट्री आपको यहाँ पे इंडिया ही रहेगा बेसिकली, अगर आपने अगर कोई और कंट्री है तो आप यहाँ पे कंट्री भी आके ऐसे आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो, इंडिया ही रहेगा यहाँ पे क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं। पिन कोड जो भी पूछ रहे हैं आप यहाँ पे पिन कोड ऐसे टाइप कर सकते हो, टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप यहाँ टाइप कर सकते हो, मोबाइल नंबर आप ऐसे टाइप कर सकते हो, कुछ भी आपका जो भी फ़ोन नंबर हो। बेसिक डिटेल यहाँ पे पूछा हुआ है। फैक्स का मतलब होता है फार एक्सेस जेरोक्स, क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर फैक्स आपके पास है उसका नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ईमेल है तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ईमेल डाल सकता हूँ, help.@gmail.com, राइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पर डाल सकते हो, generation1.in ऐसे आपने डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे आपको समझना होगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/22 लिखा हुआ है यहाँ पे, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता होगा कि 1/4 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर रहता है। हमारा अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो फॉलो जो करता है, राइट। तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में आपको तो यहाँ पे 1/4 ही रखना है, लेकिन एक चीज यहाँ पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स का मतलब होता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमने जब टैली परचेज किया तभी हमने बिजनेस भी शुरू किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिजनेस 1/4 से ही शुरू किया हो। यहाँ पे डेट तो ऑटोमेटिक 1/4 आएगा 1 अप्रैल, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है या फिर आप कब टैली पे शिफ्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा बिजनेस शुरू हुआ है 1 अक्टूबर को, राइट। 1/4 को ना शुरू होकर हमारा बिजनेस शुरू हुआ है 1 अक्टूबर को, या तो आपका बिजनेस शुरू हुआ हो या तो आपने टैली पे शिफ्ट किया हो 1 अक्टूबर को। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको यहाँ पे जो बुक्स बिगिनिंग देना है वो देना है 1 अक्टूबर, कि भैया 1 अक्टूबर से मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट टैली में शुरू हो रहा है, बाकी 1 अक्टूबर से पहले का जो हिसाब है ना वो सब कुछ आपके लिए यहाँ पे फिर क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा।
जैसे जैसे अगर आप क्लोजिंग और ओपनिंग जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसके पहले का जो भी हिसाब किताब रहता है वो सब क्लोजिंग रहता है, और जब हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं मतलब हमारा ओपनिंग बन जाता है। मतलब पिछले साल के लिए वो चीज़ क्लोजिंग है और इस साल के लिए वो चीज़ ओपनिंग होती है, जो भी आपका हिसाब किताब रहता है, राइट। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ना ओपनिंग और क्लोजिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस शुरू हुआ है 1 अक्टूबर से, यानी आपने टैली भी 1 अक्टूबर से ले लिया होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बुक्स बिगिनिंग में 1 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1 अक्टूबर के बाद से ही सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाओगे। बेसिक यहाँ पे ना जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि 1 अक्टूबर से पहले फिर आपकी कोई एंट्री यहाँ पे सेव ही नहीं होगी। मतलब आप जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे वाउचर जो भी आप इशू करोगे, वहाँ पे क्या होगा कि 1 अक्टूबर से पहले वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका बुक्स स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान देना है। आपने टैली को बता दिया कि मेरा जो बुक्स बिगिनिंग है वो 1 अक्टूबर से, तो जाहिर सी बात है कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी, या फिर 1 अक्टूबर से या उसके बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप रिकॉर्ड करो, बाकी उसके पहले का जो हुआ था हिसाब किताब उसको आप टैली में एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, लेकिन उसकी आप एंट्री नहीं पास कर सकते। कि आप फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करोगे, 1 अप्रैल ही रहेगा, हाँ ईयर चेंज कर सकते हो, 22-23 है तो 22 कर दिया, केवल पहला यहाँ पे दिन देना, बाकी तो वो तो अंडरस्टूड है ना कि फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 से स्टार्ट हुआ है अगर, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, राइट। तो वो तो अंडरस्टूड है, तो इसीलिए आपको जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम केवल पूछ रहा है कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा 1/4 ही रहेगा एज पर इंडियन रूल, हमेशा 1/4 ही रहेगा, ईयर बस चेंज करना है आपको, लेकिन बुक्स बिगिनिंग आपको 1 बार चेंज करना रहेगा। अगर देखो 1/4 से शुरू हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 1/4 के अलावा 2/4 से शुरू हो गया, 1/5 से शुरू हो गया, मई में जून में शुरू हो गया, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे वो डेट डाल देनी है जब से आप टैली में शिफ्ट हो रहे हो, जब से आप चाहते हो कि मैं टैली में अब से रिकॉर्ड करना शुरू करूँ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करूँ। तो ये है आपका कंपनी क्रिएशन। अभी क्या है कि आपको एंटर करना है, ये कुछ जो डिटेल्स यहाँ दे रहा है, बेसिक करेंसी सिंबल, ये रुपीस का सिंबल है रहेगा, और यहाँ फॉर्मल नेम दिखा रहा है INR, यानी कि इंडियन रुपीस, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे सेट रहेगा, तो आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। तो अभी क्या है कि इसको हमें सेव भी करना पड़ेगा, हम कंपनी बस यहाँ पे डिटेल हमको डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस चीज़ को हमको सेव भी करना पड़ेगा। टैली में आपको कभी भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको उसको पूरी कंप्लीटली सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए एक यहाँ पे शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+A कर सकते हो, या तो आप एंटर से आप आगे बढ़ो, एंटर की प्रेस करोगे तो वो कर्सर आपका आगे जाएगा, और एंटर करोगे तो अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, तो एक्सेप्ट यहाँ पे आपको करना है, आप यहाँ पे एंटर दबा सकते हो यस करने के लिए, और नो करने के लिए आप यहाँ पे एस्केप की दबा सकते हो, और तरीका क्या है, वाई कर सकते हो यस करने के लिए, एन कर सकते हो एन नो करने के लिए। तो पॉपुलर क्या है, एंटर है या तो एस्केप, अगर आपको सेव करना है तो आप एंटर करिए सेव हो जाएगा, अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप यहाँ पे एस्केप करिए, ऐसे एंटर किया तो सेव हो गया। कंपनी आपकी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, और कंपनी बनने के बाद जो आपके सामने जो डिस्प्ले आएगा, जो स्क्रीन आएगा, वो सबसे पहले आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर दिया हुआ है कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये फीचर्स आप चाहो तो यस कर सकते हो आपकी बिजनेस की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से। तो अभी फीचर्स में हमको नहीं जाना है, अभी केवल इसको हमको सेव करके आगे बढ़ जाना है। तो चाहो तो आप इसको Ctrl+A करके सेव कर सकते हो, पूरा इकट्ठे सेव हो जाएगा। देखो सेव एंटर से भी होगा, आप एंटर से आप आगे बढ़िए, तो ये टाइम टेकिंग है। अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो आप यहाँ से Ctrl+A करके सेव कर सकते हो, या तो उसको आप हटा भी सकते हो एस्केप करके, तो मैं यहाँ पे Ctrl+A करना प्रेफर करूँगा, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया है, और अब आपको यहाँ दिख रहा है Generation 1 Technology प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 22-23 पूरी कंपनी का नाम लिखा हुआ रहा है, लेकिन मेलिंग नेम में जब हमने दिया हुआ है क्या Generation 1 Technology प्राइवेट लिमिटेड तक दिया हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें केवल आपका जब आप कोई बिल प्रिंट करोगे तो केवल इतना ही नाम यहाँ पे आएगा। करंट पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई देखो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, मैंने कहा था आपको कि भाई अंडरस्टूड है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 डाला हुआ है तो वहाँ पे 31 मार्च 23 ही आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। ये आपका करंट डेट दिया हुआ है कि भाई कौन सी डेट है, तो यहाँ पे दिखा रहा है Friday 1 अप्रैल 2022। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ दिखा रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर्स एंटर्ड। अभी तक हमने अपनी कंपनी में कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। और सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली,
गेट मतलब क्या, दरवाजा मतलब कि आप टैली में एंटर कर चुके हो फाइनली, तो अब आप टैली में कोई भी काम शुरू कर सकते हो। पहला कदम उठा लिया, कंपनी बना लिया, कंपनी क्रिएट हो गई, अब हम यहाँ पे टैली में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो केवल हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे जरूर कुछ मैं अलग दे पाया हूँ, आपको मैं जरूर कुछ नया सिखा पाया हूँ। और अगर ऐसा है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।